नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। बीबीएमबी की नंगल वर्कशॉप में बीते लगभग 10 वर्षों से बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को फिर से पटरी पर लाने के लिए बीबीएमबी व सेना के जवानों की टीमें दिन रात जुटी हुई हैं, लेकिन कोई न कोई तकनीकी खराबी आ जाने के चलते फिलहाल इन कर्मचारियों को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन बीबीएमबी व सेना के जवान दिन रात ऑक्सीजन प्लांट को चलाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। आज पंजाब विधानसभा अध्यक्ष राणा केपी सिंह व श्री अनंतपुर साहब संसदीय क्षेत्र से सांसद मनीष तिवारी भी इस ऑक्सीजन प्लांट के चल रहे कार्य का जायजा लेने नंगल पहुंचे। इस मौके पर लोकसभा सदस्य मनीष तिवारी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान कोरोना पीड़ित व्यक्तियों को सबसे पहले ऑक्सीजन की ही जरूरत होती है और जिला रूपनगर में ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नंगल में बीबीएमबी के वर्कशॉप में बीते लगभग 10 वर्षों से बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को चलाने के लिए सेना व बीबीएमबी के कर्मचारी दिन रात लगे हुए हैं और उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में इस प्लांट से ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला रूपनगर में 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिसका काम आने वाले 2 माह में मुकम्मल हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी की में चल रही कला के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी पार्टी है, इसलिए मन मुताबिक चलते रहते हैं, जिन्हें समय रहते दूर कर लिया जाएगा। सुने क्या कहा सिटी हलचल से बात करते लोकसभा के सदस्य मनीष तिवारी ने। आज तो महीना पहला जदों कोरोना की दूजी लहर शुरू हुई सी, स्पीकर साहब क्योंकि बहुत ही संजीदा ने, बहुत मानयोग ने, इन्हां नूं ख्याल आया कि साडे कोल एक पुराना ऑक्सीजन प्लांट है बीबीएमबी का, इनू असीं दोबारा तो शुरू करिए, जिहदे नाल जिहड़ी ऑक्सीजन की किल्लत आ रही है उन्होंने पूरा करन दी असीं कोशिश करिए। तो स्पीकर साहब ने बीबीएमबी चेयरमैन नाल गल कीती, मेरी जिम्मेवारी लाई, मैं जिहड़े पावर मिनिस्टर ने उन्हां नाल गल कीती और एक संयोजित तरीके नाल इनू शुरू करन दी, क्योंकि पुराना प्लांट 1954 का असीं उपराला कीता, और तकलीफां आईयां, अपना कलकत्ते तो इंजीनियर लियाए गए, लुधियाने तो फौज नूं बुलाया गया और अज असीं इह वेखण आए सीगे कि वह प्लांट नूं ऑपरेशनलाइज करन च आपां कित्थे तक पहुंचे हैगे। तो चीफ इंजीनियर साहब ने दस्या कि भई असीं प्लांट चला जरूर लिया, पर जदों इन्हां नूं ऑक्सीजन सिलेंडर भरन की बारी आती है तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। वो कहिंदे असीं हफ्ता होर लगेगा और साडे वल्लों पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह इस पुराने प्लांट नूं असीं शुरू करके ऑपरेशनलाइज कर सकते ने। अपना रोपड़ जिले के सेंक्शन होए ने, अज सवेरे मैं डीसी और एसएसपी साहब नाल और सिविल सर्जन नाल कोविड का पूरे जिले का रिव्यू किया हैगा। एक अंबुजा वाले ने लाना हैगा, 2 होर लाने ने और मैनू उम्मीद है कि आने वाले महीने 1.5 महीने उन्हां दी फैब्रिकेशन का भी काम, उन्हां लगन का काम भी शुरू हो जाएगा। है कि कांग्रेस पार्टी दे पंजाब दे विच सरमौर लीडर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, उन्होंने बहुत ही एक संजीदा तरीके नाल पिछले 4.5 साल सरकार चलाई है और जिस तरह कोविड दे विच भी उन्होंने बिल्कुल पंजाब चनगहली नहीं होन दित्ती। एक बहुत ही प्रभावशाली एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक की निशानी हैगी। असी अगली चोण कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दे दी रहनुमाई हेठ पंजाब च लड़ांगे और जे कोई आपस के मसले हैगे ने, वो परिवार च कदे कदे मसले होंदे ने, असी अपने मसले बैठ के सुलझाना है कि मैं इन्हां गल्लां च नहीं पैना चाहुंदा। मोटी और बुनियादी गल ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी साडे रहनुमा ने, असी उन्हां दी नेतृत्व दे विच उन्हां दी रहनुमाई दे विच चोण लड़ांगे पंजाब दी, और जे कोई गिले शिकवे हैगे ने परिवार दे विच, उन्हां गिले शिकवां नूं असी हल करांगे। केंद्र सरकार ने तो साडी अर्थव्यवस्था का दिवालिया कढ़ दिया, 32 लाख करोड़ रुपए का डेफिसिट है केंद्र सरकार दे खर्चियां और आमदन दे विच, जे वर्ष 2021-22 नूं असी संज्ञान च लईए तो मैनू नहीं उम्मीद है कि केंद्र सरकार कोई राहत पैकेज देण दे कंडीशन दे विच हैगी है। पर जिथे तक पंजाब सरकार का सवाल है, असी पंजाब सरकार वल्लों जो सब तो ज़्यादा हो सकता है हो सकता है लोगों की राहत वास्ते करने की कोशिश कर रहे हैं। यह है कि
जो भी हर वर्ग वास्ते राहत पैकेज अलग अलग होता है, किसी नूं फूड सपोर्ट की लोड़ होती है, किसी नूं इनकम सपोर्ट की लोड़ होती है, किसी नूं मेडिकल सपोर्ट की लोड़ होती है। तो जिथे भी जिहड़ियां लोड़ां मंगा हैगियां ने वो पंजाब सरकार अपने सीमित दायरे दे विच पूरा करने की कोशिश कर रही है। जब इस बारे में बीबीएमबी के मुख्य अभियंता कमलजीत सिंह से जानकारी लेने हेतु संपर्क किया गया तो इस ऑक्सीजन प्लांट के बारे में उन्होंने क्या कहा, जे भी सुने। भाखड़ा डैम हूँ 11 साल तो यह बंद है, ये पार्ट्स बहुत पुराने हो चुके हैं, जोड़ा कोई खराब होया जगह रिप्लेसमेंट है नहीं, या जिदा गैस भी पैंती है वो कूलिंग यूनिट के भी हूँ गैस ही नहीं आती, इस करके बड़ी प्रॉब्लम आ रही हैं। जो भी कोई चीज़ चलाने कित ना कि फॉल्ट पै जाता है, क्योंकि बहुत कंप्लीकेट 8-10 चीज़ा इनवॉल्व ने। ठीक है, जो अभी नेड़े पुजते हैं कोई ना कोई हाले ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने से कामयाब नहीं हो। कोशिश है साड़ी कि हफ्ते च होर रिप्लेसमेंट ना करके असी कोई नतीजे ते आईए। रिप्लेसमेंट टोटल जितना रेफ्रिजरेशन यूनिट आया नहीं मिले, नवा बदल के देखा वो ये चलता कि नहीं चलता, मेल खाता पुराने ब्रांड नहीं खाता, अभी तो एक्सपर्ट भी बुला ले कलकत्ते तो जी कंपनी ने शुरू बनाया वो आके चले गए, लुधियाने जो यह प्लांट में रिपेयर करता वो भी बुला लिया, तो कोशिश ही है नवा तो सू फंड देगी वो भी प्रपोजल कोई चेयरमैन साहब कहेंगे तो नवा भी मिलता। इस मौके पर बीबीएमबी के कर्मचारी संगठन नंगल भाखड़ा मजदूर संघ इंटक के अध्यक्ष सतनाम सिंह के नेतृत्व में विधानसभा अध्यक्ष राणा केपी सिंह को एक मांग पत्र सौंपकर नंगल नगर कौंसिल के सफाई सेवकों की जायज मांगों को पहल के आधार पर पूरा करवा हड़ताल को खत्म करवाने व बीबीएमबी के कर्मचारियों की मांगों को पूरा करवाने में अपने हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई तो बीबीएमबी और सिविल हॉस्पिटल में 3-3 डॉक्टरों की भर्ती करने पर आभार भी व्यक्त किया गया। नंबर 2 मैं तिवारी साहब आए हैं दोहा वलते मानयोग स्पीकर पंजाब विधानसभा दिता गा, अज मानयोग मैंबर पार्लीमेंट मनीष तिवाड़ी जी और मानयोग स्पीकर पंजाब विधानसभा ने अज ऑक्सीजन प्लांट का दौरा किया जी। असी कुछ दिन पहला सब तो पहला जिहड़ा गा असी ये ध्यान दे विच जिहड़ा स्पीकर साहब ने लिआंदा सीगा कि इत्थे ऑक्सीजन प्लांट बहुत पुराना हैगा कि इहनूं जे चलाया जाए तो यह लोगों की कई लोगों की जिंदगी बचा सकदा गा। इस संबंध दे विच नाल ही असी उस टाइम दे विच एक डाक्टर की डिमांड की सी कि कोविड-19 के तहत बीबीएमबी होस्पिटल दे विच काफ़ी जिहड़े मरीज आ रहे हैं पर साडे कोल जिहड़ी डाक्टर की बहुत कमी है, तो होर भी असी कम्मां बारे जिहड़ा स्पीकर साहब ने कहा सीगा उहदे संबंध दे विच स्पीकर साहब ने कार्रवाई करते हुए इन्हों प्रशासन नू बीबीएमबी नू दिशा निर्देश दिए सीगे कि ऑक्सीजन प्लांट चलाया जाए, तो ऑक्सीजन प्लांट हुण जिहड़ा गा चलतान की सूरत लिआंदा गा, तो नाल जिहड़े बीबीएमबी होस्पिटल 3 डाक्टर नवे जिहड़े भर्ती किए गए हैं वो 3 सिविल होस्पिटल आए या 3 जिहड़े बीबीएमबी होस्पिटल आए उहदे बारे असीं स्पीकर साहब का धन्नवाद किया गा, तो आने वाले समय जी असी मांग की है जिहड़े जिवें कि नगर कौंसल नंगल दे विच सफाई कर्मचारी बैठे आ इवें ही बीबीएमबी दे विच कच्चे कर्मचारी है, इन्हां संबंधी जिहड़ी कोई पॉलिसी बना के इन्हां नूं पक्के किया जाए और असी इन्हां दा बिल्कुल समर्थन करते हैं और जिहड़ियां बीबीएमबी दे विच नाले आले दुआले जिहड़ियां खाली पोस्टां पईआं उहनां नूं भरिया जाए। इस संबंध दे विच असीं और सारे साथियों ने मिल के एक मेमोरेंडम जिहड़ा स्पीकर साहब नूं दित्ता गा कि इहदे पर आने वाले समय च कार्रवाई की जाए। सिटी हलचल के लिए नंगल से पंकज भाटिया के साथ करण चोपड़ा की रिपोर्ट।